झुंझुनू में किसान नेताओं की रिहाई के बाद प्रस्तावित चक्का जाम टल गया है। सरकार की ओर से किसान आंदोलन में गिरफ्तार 165 नेताओं की रिहाई की घोषणा के बाद किसानों ने प्रस्तावित चक्का जाम का निर्णय वापस ले लिया है। जिले के किसान नेताओं की भी जेल से रिहाई हुई, जिसे किसानों की जीत बताते हुए जश्न मनाया गया। वहीं जेल से रिहा हुए पूर्व उपजिला प्रमुख विद्याधर गिल, फूलचंद ढेवा, सुभाष बुगालिया का किसानों ने माला पहनाकर स्वागत किया। किसान नेता फूलचंद बर्बर ने कहा कि किसानों के आंदोलन के दबाव में सरकार ने किसान नेताओं की रिहाई की है, कर्ज माफी सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जो लड़ा गया है, ये जनता की ताकत के बल पर लड़ा हमने और जनता की जीत हुई है। और जनता हमेशा जो भी समस्याओं के लिए संगठित होकर के जब जब भी सड़कों पर अभी आई है, जब जब भी किसान सभा के साथ आई है, हमेशा राजस्थान में किसान सभा एक ऐसा संगठन है जो किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करके, किसान महासभा और किसान सभा दोनों ऐसे संगठन हैं जो राजस्थान में किसानों की बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस करवाया और अब 50,000 तक का तमाम कर्जा माफ करवाया। जो ये आंदोलन है, आगे का आंदोलन हमारी जो राज्य की टीम है, राज्य नेतृत्व है, कामरेड अमराराम और दूसरे साथी हैं, वो तय करेंगे, उसी के अनुसार आंदोलन चलेगा।